गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स आई एम नरेंद्र कौर फ्राम यू पी एस क्रालगुंड बेटा हम पढ़ रहे हैं बेंगल सेलर्स पहले तो हमने इसकी समरी और सेंट्रल आइडिया किया तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इसके और कुछ रह गए थे आज हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है नेम द डिफरेंट कलर्स मैंशन इन द पॉइंट वट डू दीज कलर्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट कहते हैं कौन कौन सा कलर मैंशन किया हुआ है पॉइंट में द डिफरेंट कलर्स मैंशन इन द पॉइम आर कौन कौन सा बेटा सिल्वर ब्लू पर्पल गोल्डन एंड रेनबो टिंटेड रेनबो पता बेटे किसको बोलते हैं इंद्रधनुष कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट अब आगे हमारा आगे क्वेश्चन बोलते पहले तो इतना ही हमने किया क्या था क्वेश्चन हमारा नेम द डिफरेंट कलर्स मैंशन इन द पॉइम तो हमने लिखा द डिफरेंट कलर्स मैंशन इन द पॉइमर सिल्वर ब्लू पर्पल गोल्डन एंड रेनबो टिंटेड ये कलर्स हैं देन व्हाट डू दीज कलर्स रिप्रेजेंट ये कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं दीज कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ ऑफ वुमेन एक औरत में कितने अलग अलग मुख्तलिफ स्टेजों से जो ये एक औरत गुजरती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये जो चूड़ियों के कलर हैं दीज कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ ऑफ वूमेन औरत की जिंदगी में जो अलग अलग मुकाम आते हैं उन उन मुकामों को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है बेटा यह है इस क्वेश्चन का आंसर द डिफरेंट कलर्स इन द पॉइम आर सिल्वर ब्लू पर्पल गोल्डन एंड रेनबो टिंटेड फुल स्टॉप फिर आगे लिखना है दीज कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ ऑफ वूमेन ठीक क्वेश्चन नंबर फाइव द वर्ड सम हैज बीन रिपीटेड इन द पॉइम फॉर ए पर्पज वाट इज इट कहते हैं सम वर्ड का इस्तेमाल बार बार किया है रिपीट किया गया और इसका मकसद क्या है द वर्ड इसका आंसर लिखेंगे आप द वर्ड सम हैज़ बीन यूज़ फॉर डिफरेंट बैंगल्स अलग अलग किस्म की जो चूड़ियाँ हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है दैट आर फॉर डिफरेंट पर्पज़ अलग अलग किस्म की चूड़ियाँ अलग अलग किस्म की औरतों के लिए फॉर डिफरेंट पर्पज़ अलग अलग किस्म के मौक़ों के लिए यानी कि सम का क्या किया है दर्ड सम है़ बीन यूज़ फॉर डिफरेंट बैंगल्स ट आर फॉर डिफरेंट पर्सनस एंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज ठीक है यह है इस क्वेश्चन का आंसर दैन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स क्या है इस इन लाइन को एक्सप्लेन करना है लाइन्स क्या है सम आर मेड फॉर मेडन रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट क्या है हमें पहले लिखना है इन दीज लाइंस द पॉइंट वांट्स टू से क्या कहना चाहता है पॉइंट इन दीज लाइंस द पॉइंट वांट्स टू से दैट अ बैंगल सेलर हैज डिफरेंट हैज़ डिफरेंट बेंगल एंड समीज बेंगल्स आर फॉर अनमेरीड गर्ल बोलते ना सम आर मेड फॉर मेडर दुल्हनों की कुछ चूड़ियाँ जो पहले मैं आपको ऐसे बताऊँगी इस्टजे का मतलब है कि कुछ चूड़ियाँ जो हैं दुल्हनों की बाजू के लिए बनी हुई हैं कुछ चूड़ियाँ अनमेरीड लड़कियों के लिए बनी हुई हैं और कुछ जो है वो कैसी हैं सिल्वर एंड माउंटे ब्लू एज माउंटेन में जिस तरह से पहाड़ जब पहाड़ी एरिए में इंसान जाएगा जाते हैं तो जब हम उधर ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं जैसे धुंध धुंध सी लगती है खूबसूरत सी धुन लगती होती है सिल्वर ब्लू कलर में तो हम इसको ऐसे लिखेंगे इन दीज लाइन्स द पॉइंट वांट्स टू से दैट अ बंगल सेलर हैज़ डिफरेंट बंगल्स एंड सम ऑफ दीज बंगल्स आर फॉर अनमैरिड गर्ल्स दे आर ऑफ प्रॉपर साइज फॉर मेडन रिस्ट दुल्हन की बाजू के लिए अनमेरिड गर्ल होते हैं कवाड़ी लड़कियाँ है, और मेडेंज रिस्ट होती हैं दुल्हन दे आर ऑफ प्रॉपर साइज फॉर मेडन्स रिस्ट फुल स्टॉप सम ऑफ दीज बेंगल्स आर सिल्वर एंड ब्लू कलर जस्ट लाइक द माउंटेन मिस्ट फुल स्टॉप द कलर्स इन दीज लाइंस

सर्कल्स ऑफ लाइट किसके रेनबो टिंटेड क्या लिखेंगे यहां बेटा इसको रेनबो टिंटेड आर ए आई एन रेन बी ओ डब्ल्यू बो डैश टिंटेड टी आई एन टी ई डी देन सेकेंड समाइक् फील्ड ऑफ सन लिट कॉर्न एस यू एन सन एल आई टी लिट कॉर्न सी ओ आर एन ठीक है बेटा थर्ड सम बैंगल्स आर पर्पल एंड गोल्ड शाबाई फ्लेक्ड ग्रे एफ एल ई सी के ई डी फ्लेक्ड ग्रे जी आर ई वाई ग्रे एंड लास्ट पीपल बाई दीज बेंगल्स फ्रॉम ए डैश कहाँ से खरीदते हैं बैंगल सेलर से बी ए एन जी एल ई बैंगल एस ई एल एल ई आर बैंगल सेलर ठीक है बेटा ये है इस चैप्टर्स के इस पॉइंट के क्वेश्चन आंसर्स भी और लैंग्वेज वर्क की अगर मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी सबमिट करूँगी स्टडी मटेरियल के तौर पर ठीक है बेटा ओके थैंक यू